श्री सनातन धर्म मंदिर समिति विकास नगर द्वारा खेड़े महाराज का पूजन एवं हवन यज्ञ आचार्य रामचंद्र पेंजुली ने विधि विधान से संपन्न कराया। मंदिर में दर्शन हेतु भक्तों की खासी संख्या रही। हवन आरती के पश्चात मीठे चावल का प्रसाद वितरित किया गया। ठीक दोपहर 12 बजे से भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर क्षेत्रपाल खेड़ा महाराज, भद्रकाली माता शीतला देवी देवी स्थल पर पूजन एवं जलाभिषेक किया गया। इस दौरान आचार्य रामचंद्र पेंजुली, पंडित शीश राम सकलानी, पंडित सुमित पेंजुली, समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र मित्तल, प्रमोद अग्रवाल, लक्ष्मी चंद गुप्ता, सुमेर चंद गुप्ता, रोहित अग्रवाल, राकेश जायसवाल, पंकज गोयल, बलवीर ग्रोवर, रुद्र बहादुर थापा, संजय डंग, रमेश चंद राणा, नीरज अग्रवाल, अशोक शुक्कड़ आदि भक्तजन मौजूद रहे। खेड़े का ये महत्व होता है जी, कि खेड़े का मतलब होता है ग्राम देवता। खेड़ा तो इसको गांव की भाषा में कहते हैं। हर गांव में खेड़ा होता है जो उस क्षेत्र का मालिक होता है। और यहाँ का क्षेत्र का जो मालिक है, जब तक जब इस चूरबुड़ का विकास नगर है, तो पूरा चूरबुड़ का जो मालिक है खेड़ा देवता है। और खेड़े को हम कहते हैं इन्होंने क्षेत्रपाल, क्षेत्र का जो पालन करने वाला है। इसका महत्व ये है कि सर्वप्रथम जब ग्राम देवता प्रसन्न होता है, तभी उस क्षेत्र के अंदर और कार्य हम संपन्न कर सकते हैं। अगर ग्राम देवता प्रसन्न नहीं है, क्षेत्रपाल प्रसन्न नहीं है, क्योंकि क्षेत्र का अधिकारी वही है और जिसके क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, अगर उनकी उनको बिना प्रसन्न किए हुए उनका उनके क्षेत्र में हम कार्य करते हैं कोई भी शुभारम्भ, तो कार्य ज़्यादा सफलतादायक नहीं होता है। उसमें कुछ न कुछ विघ्न आएगा। उस विघ्न निवारण के लिए हमें सर्वप्रथम क्षेत्रपाल को प्रसन्न करना होगा, फिर जिसको हम ग्राम देवता कहते हैं या खेड़ा देवता कहते हैं। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे, तब उनके क्षेत्र में जो है हम और शुभ कार्य शुभारम्भ कर सकते हैं और तभी उस कार्य में हमें सफलता मिल सकती है। जब क्षेत्रपाल प्रसन्न हुए, ग्राम देवता प्रसन्न होगा, तो उनकी प्रसन्नता के लिए आज के दिवस में जो है ये जस्ट संपन्न किया गया है। और ये डेट जो है कम से कम एक महीने पहले की निर्धारित की हुई थी और आज के शुभ समय पे जो है इसका कार्य जो है ये यज्ञ का कार्य खेड़े नाम खेड़े के नाम का जो यज्ञ है वो आज कार्य आज के दिन में संपन्न हुआ है, विधिवत संपन्न हुआ है। और जिससे वो प्रसन्न हो सके और हमारे सारे क्षेत्र में जहाँ तक उनका क्षेत्र है, क्षेत्र उनका एक ये नहीं है, क्षेत्र उनका क्षेत्र बल तो आपका समझो पूरा केसरबाग आएगा, बाबूगढ़ आएगा और विकास नगर ये रसूलपुर है, लक्ष्मणपुर है, आपका जीवनगर तक जो है क्षेत्र का पूरा एक ही है जिसका नाम क्षेत्रपाल है, ग्राम देवता है। और उनकी पूजा करने से हमारे मन में ये भाव रहता है, उनसे प्रार्थना करता है ये क्षेत्रपाल देवता आप प्रसन्न रहना और आपके क्षेत्र के अंदर जो भी आते हैं विकास नगर की जनता, तो सभी खुशहाली के पथ पर अग्रसर रहें, सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें और सभी निरोग रहें। ये तभी संभव हो सकता है जब आपकी कृपा हमारे ऊपर होगी। इसलिए ये यज्ञ जो आज हमने मैंने यहाँ पे संपन्न किया है सुख और शांति के लिए, जिससे क्षेत्रपाल प्रसन्न हो सके, ग्राम देवता प्रसन्न हो सके और जब वो प्रसन्न होंगे तो उनकी कृपा बरसेगी, उनका उनकी हमारे ऊपर कृपा बरसेगी यहाँ की जनता के ऊपर, तो निश्चित सभी सुखी रहेंगे, सभी स्वस्थ रहेंगे, सभी निरोग रहेंगे और कार्य जो है यानी क्षेत्र में जो है ये शुभ कार्य होते रहेंगे।